हेलो एंड वेलकम टू आई गेट बिलाई। बच्चों, आई गेट से काफ़ी बच्चे हर साल एमटेक लिए जाते हैं और गेट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर में। तो चूँकि अभी यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड चल रहा है और कोविड में तो पूरा ऑनलाइन चल रहा था, तो कोविड में जब ऑनलाइन हमारा कन्वर्जन हुआ था, कन्वर्ट हुए थे हम लोग आई गेट को लेकर, तो उसमें बाहर के हमारे पास कुछ बच्चे ज्वाइन किए थे। तो उसमें मुझे अच्छे से याद है, उस टाइम में फर्स्ट टाइम में जिगर ने मुझे कॉल किया था और जिगर ने अहमदाबाद से ज्वाइन किया था। विनीत तो उसके बाद ज्वाइन किया क्योंकि जिगर के कहने पर कि तू भी यहाँ पे देख सकता है, कर सकता है। तो जिगर से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। इन्होंने भी इस साल एग्ज़ाम लिखा है और इनका रैंक जो है 2176 है। 2176 है तो 2176 है इनकी रैंक है। और इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, समझते हैं। और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी इनके पास ट्रिपल आई टी, चूँकि देखो 2000 के आसपास रैंक आ रही है, तो बट ऑब्वियस है सब्जेक्ट का नॉलेज तो है बच्चे का। सिर्फ वो 3 घंटा भी मैटर करता है कभी कभी कि बच्चा वहाँ पे कैसा परफॉर्म किया या प्रेशर में आ गया या कुछ इशूज हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर भी ऐसे था, कुछ बच्चे थे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बाद वो ब्रिट्स का एग्ज़ाम निकाल लिए, ट्रिपल आई टी हैदराबाद का एग्ज़ाम निकाल लिए। तो आप ये जो प्रिपरेशन आप करते हैं ना, ख़राब नहीं जाती, कहीं ना कहीं आपको काम आ ही जाती है। तो तौसिफ की जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे मोटिवेट हुए, गेट को कैसे जाने और कैसे यहाँ पर यहाँ तक पहुँचे। तो विनीत, सबसे पहले आपको बधाई कि एक तो पड़ाव मिल चुका है, चलो एक छोटा सा सक्सेस आपको भी मिला है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में आपको एक बिग सक्सेस मिलेगा। और इस रैंक में भी आपको 90-90 का मिलने का चांस है। इवन मैं बताऊँ आपको, ब्रिट्स में भी डायरेक्ट होने का चांस है, होता ही है, हो भी जाएगा मैं बताऊँ आपको। लेकिन मेरे पास और भी एग्जाम्स हैं, उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुआ है। सर, मैं गुजरात में अहमदाबाद से रहने वाला हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग वहीं से अहमदाबाद में ही अर्पण विद्या संकुल करके एक स्कूल थी, वहीं से किया है। मैंने ट्वेल्थ भी वहीं से किया है और उसके बाद मैंने अपना बीटेक जो है वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एनएसआईटी जितलपुर कॉलेज से किया हुआ है। और बात करें, जब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में था, सेकंड ईयर मतलब थर्ड सेमेस्टर था मेरा, तो उसी टाइम पे मतलब फोर्थ सेम में था, तब कोविड आने वाला, कोविड मतलब शुरू हो चुका था। तो उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे देखा कि आई गेट का ऐसा, मतलब गेट के बारे में तभी मुझे पता चला, मुझे उसके पहले वो भी नहीं पता था कि गेट कैसा मतलब एग्ज़ाम होता है। मैं देखा गेट के बारे में ऐसा कि बीटेक के बाद अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है और मेरा टायर 3 कॉलेज है, तो मतलब प्लेसमेंट भी उतना अच्छा नहीं लगता था हमारे वहाँ। तो गेट एक मुझे अच्छा चांस लगा कि जिसमें बीटेक या मतलब आपका बैकग्राउंड उतना मैटर नहीं करता, अगर आप इसमें अच्छा कर लेते हो तो। तो आप मतलब ऐसे YouTube पे देखे, हाँ, तो वहाँ पे लोग भटकते भी बहुत ज़्यादा है, मतलब अलग अलग आपको पास कोचिंग है, हाँ, ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाती है, तो उसमें से आई गेट को चूज़ कर पाना एक डिफिकल्ट काम था आपके लिए। तो आपने कैसे मतलब आई गेट पे कैसे अपना विश्वास या ट्रस्ट बनाया? सर, मतलब मेरे साथ हुआ भी था ये, मैं पहले किसी और जगह पे ज्वाइन हो गया था, फिर उसके बाद वहाँ पे मतलब बहुत सी चीज़ों की कमी लगी, मतलब उनका दिखाना कुछ और था, मतलब और होता कुछ और था बैकग्राउंड में, तो वो मुझे कमी लगी वहाँ पे। पर सर, जैसे आपका मैंने डेमो लेक्चर अटेंड किया तो वो डिफरेंस तुरंत ही पता चल जाता है कि नहीं, ये मतलब ये सही है, ये सबसे अच्छा है, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता मतलब। और फिर सबसे अच्छी बात वो थी, मुझे वो जो अच्छी लगी थी कि मैं सीधा आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मुझे अगर कोई भी दिक्कत हो रही है मैं सीधा आपको कॉल कर पा रहा हूँ। इवन हमारा सबका जो प्रिपेयर करे उन सबका ग्रुप भी है, तो ऐसा लगता है कि सब गेट में एक साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपने मतलब क्लासमेट जो होते हैं ऑनलाइन क्लासमेट उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब वो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट है। हाँ, यशवंत पे करके एक स्टूडेंट, उसने भी यही चीज़ बोला कि सर ना यहाँ पे एक सर फैमिली टाइप का दिखता है सब, हाँ, चीज़ें कि आपसे कभी कॉल करो, कभी भी बात करो, व्हाट्सअप कर लो, तो बातचीत हो जाती है यहाँ पर है। तो फिर आपने अपनी पढ़ाई आई गेट पर कब से स्टार्ट की थी? हाँ, मैंने सेकंड ईयर ख़त्म हो चुका था, फिर थर्ड ईयर से शुरू कर दिया था। थर्ड ईयर में आपसे बात की थी, तो थर्ड ईयर में नवंबर में मैंने शुरू किया था और दिसंबर और जनवरी में गेट 21 की एग्ज़ाम थी, तो उसमें तो मतलब शुरू ही किया था तो उसमें कुछ हुआ नहीं था। फिर 22 का अटेम्प्ट दिया था, पर उसमें सर हमने कुछ गलतियां की थी कि जैसे सिलेबस कंप्लीट किया पर PYQ नहीं लगाए, टेस्ट नहीं दी, तो वो गलतियां फिर हुई तो उसमें भी अच्छा नहीं हुआ। पर इस साल काफ़ी कुछ हमने मतलब ट्राई किया था कि जो गलतियाँ की है वो हम
मतलब ना करे इस बार। हाँ, तो सिलेबस आपका कब तक पूरा कवर हो गया था? सिलेबस सर फिर क्या हुआ था पता है कि हमारा 22 के लिए जो था सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका था, कुछ मैथ्स का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ था, फिर जो था कि प्रैक्टिस। मैं जैसे एक चीज़ मुझे कॉमन लगी कि कोई भी गेट एस्पिरेंट हो, एक चीज़ कॉमन है कि रिविज़न करना है, PY की प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट सीरीज देनी है। ये तीन चीज़ कॉम सबके लिए कॉमन है, इन तीन चीज़ों से तो सबको गुजरना है। अब उन तीन चीज़ों को ख़त्म कैसे करना है वो सबके अलग अलग वे है अपने अपने। किसको कैसे PYQ ख़त्म करने है, किसको कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करनी है, वो अपने वे है, पर ये तीन चीज़ मैंडेटरी है। इसके अलावा मतलब कोई ऐसा नहीं मिलता हमें कि हाँ ऐसा बोलता है सिर्फ सिलेबस किया हमने, ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस की, कुछ भी नहीं किया और सीधा ही हमारा गेट में रैंक आ गया। तो मतलब ये तीन चीज़ अगर छूट रही है तो मतलब हाल आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि आप इन तीन चीज़ों के बिना गेट में रैंक ला रहे हो। सही बात है। आपको मतलब नोट्स तो बनाने हैं, नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज भी करना है और कम से कम दो बार, तीन बार, चार बार भी हो सकता है, डिपेंड ऑन स्टूडेंट। और उसके बाद आपको टेस्ट लिखना है। टेस्ट ही तो एजुकेशन है भाई, वही तो आपको बताएगा कि आपके माइंड के अंदर में कितना है और कैसे चीज़ों को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो आपने नोट सारे सब्जेक्ट के बना लिए थे? हाँ सर, आई गेस सबके शॉर्ट नोट भी थे, शॉर्ट नोट से बना लिए थे आपने। तो इस साल जब आप गए एग्जाम देने के समय, मतलब ऐसा क्या हुआ जिससे कि हम थोड़ा सा रैंक फिसल गई हमारी? सर तो वो दिक्कत ये हुई थी, गलती हो गई। हाँ, गलती कुछ क्या हुआ, इस बार जैसे ऐसा हुआ था कि 1 मार्क्स का एक अलग स्लॉट था, 2 मार्क्स का अलग स्लॉट था। तो मैं जब PYQ दे रहा था, टेस्ट के फॉर्म में दे रहा था, तो मैं ऐसे पैटर्न चेंज करके भी देखता था कि किस में मेरा आउटपुट ज़्यादा आता है। तो मैंने देखा था सबसे पहले मैं 2 मार्क्स वाले अटैम्प्ट कर रहा हूँ, तो मैं अच्छे से हो जाता, मेरा और मोटिवेशन बिल्ड हो जाता था कि हाँ अब काफ़ी कुछ कवर कर लिया। तो उस तरह से इसमें भी करने गया मैं 2 मार्क्स के, और सबसे पहला ही क्वेश्चन जैसे मैंने ओपन किया, उसके अंदर कैलकुलेटर ओपन किया तो वो वहीं पे फ्रीज हो गया था और टाइमर चले जा रहा था वहाँ पे। तो मैं थोड़ा पैनिक हुआ, तो मैंने सुपरवाइज़र को बुलाया। सुपरवाइज़र ने आके देखा कि कुछ करे, वो बोले कोई बात नहीं, तुम आगे का क्वेश्चन ट्राई करो, तब तक मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसको हटाने का। मैं ट्राई किया तो मैंने बोला सर ये तो क्वेश्चन स्विच भी नहीं हो रहा, आंसर सबमिट भी नहीं हो रहा और टाइमर चले जा रहा है। तो फिर वो देखे, वो बोले ठीक है मैं कुछ करता हूँ, आगे पूछता हूँ। तो ऐसा बोले ना जब, तो मैं और घबरा गया कि मतलब इनको भी सॉल्यूशन पता नहीं है, ये भी आगे पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कॉल किया, फिर दूसरे एक सुपरवाइज़र आए, उन्होंने वो सॉल्व किया। पर तब तक क्या था कि उस मोमेंट पे हार्ट बीट अलग ही लेवल पे चली जा गई थी, क्योंकि आप तो उसमें टाइम इतना ज्यादा था उस प्रिपरेशन में, मुझे पता भी नहीं था ना कि कितना टाइम लगने वाला है इस चीज को सॉल्व होने में। वैसे 3-3.5 मिनट जैसा लग गया था उसमें, लेकिन उस समय माइंड चेंज हो गया था। वो फिर मैंने उसमें ऑलरेडी 2.5 मिनट जैसा इन्वेस्ट कर रखा था, फिर मुझे लगा कि अब और खराब हो, उससे अच्छा है मैं वो क्वेश्चन छोड़ू और आगे स्विच कर लूँ। मैंने तुरंत ही आगे स्विच किया, पर जब अभी जैसे आंसर किया ही थी तो मैंने उसमें चेक भी किया, तो मुझे शुरुआत में ही मतलब वो क्वेश्चन था तो मुझे 2-3 याद थे, तो मैंने चेक किया तो वो गलत है मेरे। जैसे MSQ था उसमें ACD आंसर था, तो मेरा सिर्फ CD है, A नहीं है, फिर उसके बाद में छोटी सी मिस्टेक की है। तो वो मतलब वो प्रेशर हैंडल नहीं हुआ ना उस टाइम पे, मतलब काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो चुका था उस टाइम पे। चलिए ठीक, कोई बात नहीं है, मतलब प्रिपरेशन तो है आपकी, बस उसको कहीं पे हिट कराना है अपने को, और इससे भी आपको पॉजिटिव मिलेगी और प्लस आगे का मतलब देखेंगे कि और कहाँ पे आप जा सकते हैं। तो जिगर ये बताओ मुझे कि मतलब आप जो रिवीजन का कैसे प्लान बनाते थे, कितने दिन के अंदर में करते हैं, क्योंकि रिवीजन का प्लान आपके पास एक अच्छा होना चाहिए, और कितने नंबर ऑफ टेस्ट आपने लिखे हैं? रिवीजन का ये था सर हमारा, मैं और भाई जैसे साथ में ही टाइम टेबल बनाते थे, और टाइम टेबल में भी एक मैं बताना चाहूँगा, टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि ना ही बहुत ज़्यादा टाइम अपने आप को दे दिया और ना ही एकदम कम टाइम दे दिया कि जो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमने कोई सब्जेक्ट है जिससे हम डर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें उसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है, पर क्या करो अगर 8 दिन सफिशियंट है। जैसे हम करते थे कि PYQ हमें प्लान करना है, तो उसको हम क्या करते थे, PYQ देखते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट है सी लैंग्वेज और उसमें 200 PYQ है, तो हम उसको कैपेसिटी हमने देख ली थी अपनी कि हाँ दिन के 40 PYQ हम कर सकते हैं, तो 5 दिन हम अपने आप को दे देते थे और डिसाइड कर लेते पहले कि इस दिन को ये PYQ करेंगे और उस तरह से ख़त्म करते। तो सब्जेक्ट के रिवीजन में क्या करते थे, जिस दिन PYQ के टॉपिक फिक्स किए कि आज पॉइंटर के क्वेश्चन करेंगे और बाकी के क्वेश्चन, तो उसी का रिविज़न करते थे, शाम को PYQ कर देते थे, और फिर जैसे वो 5 दिन का सब्जेक्ट ख़त्म हुआ फिर संडे को टेस्ट दे देते थे। तो हमारा ओवरऑल 10 दिन जैसा रहता था एक सब्जेक्ट को क्लियर करने मिले,
और ज़्यादा अगर बड़ा सब्जेक्ट हो तो मैक्स टू मैक्स 15 दिन। फिर हम उसको क्या करते हैं, जैसे जैसे इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं ना तो अपना टाइम कम होते जाता है रिवीजन में। मतलब 10 दिन लग रहे हैं तो फिर आपको 3-4 दिन लग रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं, तो आप जितने बार रिपीट करते हो उतना जल्दी आप कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। पहले शुरू करने में सिर्फ हमें डर लगता है, एक बार शुरू हो जाता है ना तो उसके बाद वो चले जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है। और कितने नंबर ऑफ टेस्ट आपने दिया था? हाँ, नंबर ऑफ टेस्ट हमने सबने शुरू कर दिया था अगस्त के जुलाई में हमने टॉपिक टेस्ट शुरू कर दिया थे। फुल लेंथ हमने बहुत ज्यादा दिए थे, फुल लेंथ हमारे मेरे और विनीत के अगर गिन ले मतलब हम दोनों ने 49 जैसे मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दिए थे, अप्रॉक्सिमेट 50। हाँ, 50 जैसा हो गया था। तो नंबर्स कम भी आते रहोगे तो डिमोटिवेट भी होते होंगे बीच बीच में? बहुत गंदे सर, कुछ कुछ में तो बहुत अलग ही लेवल के, मतलब एकदम गंदे मार्क्स आते थे मतलब। पर तब होता था कि हाँ इस एक में हुआ है, ओवरऑल अच्छा जा रहा है। और अगर अच्छा, मैं एक चीज मानता हूँ कि जो चीज अपने कंट्रोल में है ना सिर्फ उसी का टेंशन लो। सही बात है। उसके अलावा मतलब जो हमारे हाथ में नहीं, उसका जो चीज है कंट्रोल में उसको मतलब इंप्रूव करने का टाइम, आपसे भी इंटरेक्शन होता था तब मैं आपसे बात करता था कि हाँ, तब आप बताते कि नहीं धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। और वो मतलब होता था, टाइम लगता है पर हो जाता है वो चीज इंप्रूव। तो टाइम तो देना, देखो कोई भी नई चीज आप कर रहे हैं तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, उसमें टाइम भी देना ही पड़ेगा। बिना टाइम दिए आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, डिसिप्लिन में भी रहना पड़ेगा आपको। तो अभी ये मतलब अपने जो जूनियर्स हैं उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? मैं सर एक बात बताना चाहूँगा कि एक चीज़ है, गेट या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम मान ले तो उसका बेसिक जो चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। मतलब वो हमें हैबिट में लाना है। अगर कोई ऐसा भी कर रहा है ना कि किसी नॉर्मल इंसान को उठा लो और सीधा उसको IIT में एडमिशन दे दो, पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाँ बिना एग्जाम के उसको वो प्रैक्टिस ही नहीं आई है। ये प्रैक्टिस करने के बाद भी मतलब काफ़ी टफ शेड्यूल रहता है, तो मतलब वो हैबिट डेवलप करनी है तो इसी फॉर्मेट से आती है मतलब। हाँ, आप फ्री में कोई भी चीज़ मिलेगी तो, हाँ फ्री में मिल तो गई लेकिन आप वहाँ पे कितना सर्वाइव करेंगे इम्पोर्टेंट रखता है। सही बात है वो। तो टाइम टेबल एक अपना मेंटेन रखो, और ऐसा नहीं है कि हमें 100% टाइम टेबल फॉलो करना है, आपसे 80% भी फॉलो हो रहा है तो सबसे अच्छा है। धीरे धीरे वो हैबिट बिल्ड होती है। पर सबसे पहले क्या है पता है कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, जैसे हमें प्रॉब्लम बीच में आ रही थी कि सोशल मीडिया यूज ज़्यादा हो रहा है, इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज हो रहा है, तो हम फिर ऐसा नहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, हाँ भाई ज़्यादा हो रहा है, कुछ करना है पर कुछ करते नहीं है। फिर हमने सॉल्यूशन निकाला कि अगर हम क्या करते थे, अगर हम पूरा ही अनइंस्टॉल कर देते थे तो कुछ दिन बाद फिर से होता है कि नहीं अब फिर से डाउनलोड कर लेते हैं। पर हमने क्या किया, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया और साइट पे लॉग इन किया इंस्टाग्राम पे, क्योंकि एप्लीकेशन का तो वही मेन मोटिव है कि इंटरेक्शन ज़्यादा हो सबका, तो साइट पे ऐसा नहीं होता, साइट पे थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन अपना छूटता जाता है। फिर हमारा पूरा वो छूट ही गया था सोशल मीडिया से। तो सॉल्यूशन अपने आप से, मतलब आप है आपसे पूछ सकते हैं, सीनियर से पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन सबके पास है। मतलब प्रॉब्लम, मतलब हमके बताना पड़ेगा कि हमें प्रॉब्लम हो रहा है और खुद से सॉल्व करने के मतलब अंदर से होगी तो सॉल्व हो जाएगा वो। हाँ वो तो है, पहले आप चाह रहे हैं कि अपना पाथ बनाना चाह रहे तो पाथ बनेगा, बनाना ही नहीं चाह रहे तो पाथ कहाँ से बनेगा, सीधी सी बात तो नहीं बनेगा। तो जिगर अभी आपका वाला फ्यूचर प्लान क्या है? सर वही है मेरा, अभी तो IIIT हैदराबाद की एग्जाम देनी है और MTech करना है, पर मुझे एक और भी इंटरेस्ट है, मुझे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं देखा जैसे IIIT हैदराबाद है, फिर बाकी कुछ जैसे बिट्स है उन वहाँ पर भी ब्लॉकचेन का एक सब्जेक्ट भी है, और IIIT हैदराबाद में तो फंडिंग पे रिसर्च भी चल रही है वहाँ पे, तो उन सबको एक्सप्लोर करना है कि उस टेक्नोलॉजी में मुझे आगे बढ़ना है ब्लॉकचेन के लिए। ओके, और भिलाई कैसा लगा आपको यहाँ पर? सर भिलाई सबसे अच्छा है, मतलब यही दिल करता है कि यही से मतलब यही पे रह जाए, मतलब यही पे रह जाए, एकदम शांति, सबसे शांति भाई। अगर किसी मेट्रो सिटी को पकड़ लो और इसको यहाँ पे लाएगा ना, वो यही बोलेगा इसको छोड़ के जाना ही नहीं है, मतलब यही पे रहना है, मतलब संन्यास ले लेना। और यहाँ पे जूनियर्स आपको कैसे फील हुए, कैसे लगे आपको? सर जूनियर्स मतलब ये ऐसा नहीं लगता कि हम इंस्टीट्यूट है, ऐसा लगता है कि फैमिली की तरह सब रह रहे हैं। और वो सब सबसे अच्छा बात मुझे वो लगता है कि जैसे बाकी सीनियर का भी सपोर्ट है, जूनियर भी मतलब इतना मिलजुल कर रहते हैं सब कुछ। और जैसे सचिन सर का मतलब मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि मतलब जैसे मैंने सचिन सर है, फिर वो शुभम सर भी है IIIT हैदराबाद में, तो वो सब मैंने जैसे उनको मैसेज किया था वो तुरंत बोले हाँ मैं तुम्हें ये टाइम बोल रहा हूँ, यहाँ पे कॉल कर लेना इस टाइम पे, तो सीधा वो बात करते हैं। मतलब सपोर्ट आई गेट फैमिली का सबसे अच्छा होता है मतलब। वो तो है। अभी अच्छा अपने यहाँ पे सब प्लस पॉइंट है इस चीज़ का, हाँ। काफी स्ट्रांग है
और जब कल भी देखोगे आप तो पार्टी में आपको कोमल दिखा, हाँ। मोनिस दिखा, अंशुल इसरो का साइंटिस्ट, वो भी दिखा आपको। मतलब लोग यहाँ पे भिलाई में रहते हैं और जैसे उनको पता चलता कुछ नई चीज़ हो रही है तो तुरंत लोग आते हैं, क्योंकि हाँ। हम लोग ऐसे फैमिली की तरह ही है सब लोग, हाँ। और हमने भी कभी किसी के साथ चीट नहीं किया है, इसलिए वो लोग भी हमको कभी चीट नहीं करते हैं। कि मतलब जैसे हमारे जो स्टूडेंट है, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये बड़ी बात होती है कि आपके पास 25 रैंक है और वो बच्चे को सब लोग दूसरी कोचिंग वाले कॉल कर रहे हैं, बुला रहे भाई आ जा मेरे यहाँ इंटरव्यू दे दे, और बच्चा जा नहीं रहा है, बोलता है नहीं नहीं मैं दूंगा, मैं सिर्फ सिद्धार्थ सर के पास, बोला आई गेट ख़त्म आ रही, बोला फिर फर्जी वीडियोज़ आप फर्जी इंटरव्यूज़ मैं नहीं दे सकता हूँ। तो ये बात बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे वो सब हमसे सीखते हैं कि यार सर जब इतना ट्रस्ट करके इतनी मेहनत करके हमको पढ़ा रहे हैं तो हम क्यों सर को धोखा दें, और हमारा भी हमको भी इसी चीज़ में बताओ विश्वास रहता है कि हमारे बच्चे हमेशा हमसे कनेक्टेड रहेंगे। और बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग भी वहाँ से प्लान बनाए और हम लोग देखो गेट के जल से पहले ही भिलाई आ गए, हाँ ठीक है। और एक दिन बात हो कि हमें ना रिजल्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है या हमें जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को बार बार फ़ोन करके उसके अपने फॉर्म को भरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे सारे बच्चे खुद से, चूँकि सबको पता था कि हमारा रिजल्ट आ रहा है और हम लोग कंटिन्यूसली आपस में कनेक्टेड रहे, तो बस तुरंत प्लान बना और तुरंत हम भिलाई पहुँच गए सब लोग और फटाफट चीज़ें हो गई। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और आपका गैंग भी काफ़ी अच्छा है, और मज़ा आया मुझे भी ऑनलाइन में। मतलब मैं कभी सोच नहीं पा रहा हूँ कि यार ये ऑनलाइन में भी इतना अच्छा माहौल हम लोग बना सकते हैं, तो बस वही है कि आप करते जाओ रास्ते बनते जाते हैं। बेस्ट है सर, अगर आप क्लासेस, वो भी सर मैं बताना चाहूँगा, जैसे एप्लीकेशन है, अगर ऑफलाइन क्लास वाले भी मतलब सुन रहे हो तो ऑफलाइन क्लास में मतलब एक लेक्चर ले ही रहे तो दिन का एक लेक्चर तो आप अटेंड करते हो, पर ऑनलाइन भी अगर आप एप्लीकेशन का यूज करते हो तो वो सबसे बढ़िया बात है, शाम को उसको बैठ के देख सकते हो, नया सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, मतलब और स्पीड भी, अगर आपको ज्यादा स्पीड पे देखना है, कम स्पीड पे कोई चीज छूट रही है फिर से रिवाइज करना है, तो वो सब चीज आप कर सकते हो। तो एप्लीकेशन का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, मतलब हर ऑप्शन को लेकर चलिए, मतलब अपना बेनिफिट करिए, मतलब नुकसान मत करिए, ऐसा किसी एक चीज पे मतलब सिर्फ ऑफलाइन ही करना है, ऑफलाइन ही करना है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है, मतलब जल्दी कोर्स खत्म हो जाए, हाँ वो भी है ठीक। और फिर कई बार भी आपको गाइडेंस की जरूरत है तो आप जिगर से कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे से कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं, आप अहमदाबाद के हैं, सूरत के हैं, गुजरात के हैं, इन लोगों से बातचीत करिए, ये लोग प्रॉपरली गाइड करेंगे, जो कि सब मीडियम स्टूडेंट हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बना रहे हैं, तो एक सही गाइडेंस आपको मिलेगा। ठीक है जिगर, ऑल द बेस्ट कि आपकी लाइफ में अच्छी ऊंचाइयों को छुएं, और छुएंगे 100%, बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि नॉलेज तो है, बस उसको आगे और कैरी करना है अपने को। तो आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट, आप लोग भी लगिए ईमानदारी से लगिए और अच्छे से करिए। बाय बाय।